मणि महेश पर्वत सी लेवल से 5,650 मीटर की हाइट पर एक ऐसा पर्वत जो समर्पित है भगवान शिव के मणि स्वरूप को, जिसके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु 13 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके आते हैं। यूं तो ये ट्रैक जून से सितंबर तक खुला रहता है, पर गवर्नमेंट द्वारा इसे ऑफिशियली अगस्त सितंबर में 20 या 30 दिनों के लिए खोला जाता है। यह 13 किलोमीटर का ट्रैक भरमौर, हडसर, दनचो, गौरीकुंड और लास्ट में डल झील तक जाता है, पर हमने यह यात्रा वाया कुगती, धलोटू, हनुमानशिला, धामगोड़ी, कमलकुंड से डल लेक के लिए करी, जो कि अपने आप में ही कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था। इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था लकड़ी के पुराने घरों से भरा कुगती गांव, धलोटू के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, फ्लावर वैलीज, वाटर स्ट्रीम से होते हुए हम पहुंचे थे हनुमानशिला, जो कि हमारा फर्स्ट डे का रेस्ट पॉइंट था। तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका मणि महेश परिक्रमा के दूसरे चैप्टर में। सुबह 4:30 पर उठकर हम थोड़ा बहुत सामान और गर्म पानी की बॉटल्स के साथ निकल पड़े हनुमानशिला से धामकोड़ी की तरफ। अगर आप लोग भी मणि महेश यात्रा के लिए इस ट्रैक को फॉलो करते हैं तो स्टे के लिए आपको 3 जगह ही मिलेंगी, जहां आप 300 से 500 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग मील देके नाइट स्टे कर सकते हैं और सुबह होते ही अपना आगे का सफर शुरू कर सकते हैं। हनुमानशिला से लगभग 1 किलोमीटर दूर 6 बजे हमें दर्शन हुए गणेश कुंड के। गणेश कुंड व्यू पर थोड़ी देर रुकने और आराम करने के बाद हम पूरे जोश से निकल पड़े धामघोड़ी की ओर। रास्ते में जगह जगह पर लोकल्स के द्वारा लाल रंग से पत्थरों के ऊपर मार्किंग्स की गई थी, जिन्हें फॉलो करके हम भी धीरे धीरे धामघोड़ी की ओर बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही देर चलने के बाद हमें सामने दिखा धामघोड़ी। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारे पास धामघोड़ी पहुंचने के लिए दो रास्तों के ऑप्शंस थे, या तो हम सीधे रास्ते से चढ़ते या फिर दूसरी तरफ पहाड़ी से। सो वी डिसाइडेड कि हम सीधे रास्ते से चढ़ेंगे। इस 1.5 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 60 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, ये इस पूरे ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स भी कम हो चुके थे और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी। फिर भी हम भोले भोले जपते हुए आगे चले जा रहे थे, क्योंकि धामघोड़ी पर पहुंच के जो नेचुरल ब्यूटी दिखने वाली थी उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं था। धामघोड़ी मणि महेश पर्वत के साथ बढ़ती पर्वत श्रृंखला, सी लेवल से ऑलमोस्ट 5,000 मीटर की हाइट पर एक ऐसा पीक जहां से हमें दिखता है होली पास, मणि महेश पर्वत की दोनों साइड्स और साथ ही मणि महेश लेक। लगभग 1 घंटा रेस्ट करने और रिफ्रेशमेंट लेने के बाद शुरू हुआ इस ट्रैक का एक और डिफिकल्ट पार्ट, धामघोड़ी से नीचे कमलकुंड के लिए। पहाड़ी के साथ सटा हुआ रास्ता और नीचे खाई, यहाँ हमें मिले लोकल्स ने बतलाया कि लास्ट ईयर इसी पॉइंट से 2 लोगों की गिर के डेथ हो गई थी, तो हम भी डर गए और धीरे धीरे हाथ पांव के सहारे उतरना शुरू किया।
चल कालू, चलो चल बेटे। आराम से, आराम से आओ, बैठ के आओ, खड़े मत आओ। ओके थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंचे कमलकुंड। मणिमहेश कैलाश के बेस पर एक ऐसा ग्लेशियर जो मणिमहेश लेक से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में भगवान शिव वास करते हैं। यहाँ पूजा करने और मणिमहेश पर्वत के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े मणिमहेश झील की ओर। मजा आया ना? लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंचे पवित्र मणिमहेश झील पर। सी लेवल से 4080 मीटर की हाइट पर एक ऐसी लेक जहां पहुंच के श्रद्धालु स्नान करते हैं और सामने पर्वत पर मणि स्वरूप के दर्शन करते हैं। हमने भी बिना टाइम गवाए झील में 7-8 डुबकियां लगा ली। पानी का टेम्परेचर एकदम लो था, पर फिर भी नहाकर अलग सुकून मिला। फिर हमने करी भगवान शिव की पूजा। बृहत संहिता में तीर्थ का बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार ईश्वर वहीं खेलते हैं जहां झीलों की गोद से कमल खिलते हो और सूर्य की किरणें उसके पत्तों के बीच से झांकती हो, जहां हंस कमल के फूलों से खेलते हों, जहां प्राकृतिक सौंदर्य की अमेजिंग स्प्रेड हो। हिमालय पर्वत का दृश्य इससे भिन्न नहीं है, इसलिए इस पर्वत को ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। यही वजह है कि हिंदू धर्म में हिमालय पर्वत का विशेष स्थान है। फिर हम आम रास्ते से नीचे भरमौर के लिए निकले, जहाँ हमने पार किया गौरीकुंड, धनचो, अड़सर और लास्ट में भरमौर, जहाँ से हमने कुगती के लिए यात्रा शुरू करी थी। इसी प्रकार यह लगभग 50 किलोमीटर का ट्रैक मणिमहेश परिक्रमा के रूप में पूरा हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे कंटेंट के लिए द एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि मुझे कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। जय श्री राम।